आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ट्रेनों के माध्यम से गांजा तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जीआरपी और आरपीएफ लगातार गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से जीआरपी और आरपीएफ युवती सहित तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ में आए तस्करों के पास से लाखों रुपए का गांजा बरामद किया गया है। ट्रेनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर गांजा तस्करी का खेल चल रहा है। आरपीएफ और जीआरपी लगातार गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज रही है, लेकिन गांजा तस्करी का ये खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से आरपीएफ और जीआरपी ने तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजा तस्करों में एक युवती भी शामिल है। पकड़े गए लोगों में रवि कुमार और समीर उर्फ माई हैं। दोनों ही वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं, जबकि निधि नाम की युवती भी दिल्ली की रहने वाली है। इनके पास से 3 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। आज सुबह जीआरपी व आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में तीन अभियुक्तों को मैं 30 किलो नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला है व दो पुरुष हैं। इनमें लड़की का नाम कुमारी निधि और समीर उर्फ माही व रवि कुमार है। तीनों लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और ये सिकंदराबाद से गांजा लेकर आ रहे थे। तीनों के पास से 10-10 किलो गांजा मिला है। इसमें एक टीम जीआरपी की व एक टीम आरपीएफ की लगी हुई थी। जीआरपी के उपनिरीक्षक सुनील कुमार और आरपीएफ के उपनिरीक्षक श्री गौरव चौधरी शामिल हैं। तीनों को जेल भेजा जा रहा है और ये रेलवे स्टेशन आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 से इनकी गिरफ्तारी सुबह करीब 10:55 पर हुई है। ऐसा बताया गया है कि ये लोग गांजा विशाखापट्टनम से लेके आए थे। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरकर इन लोगों को सड़क मार्ग से दिल्ली जाना था, लेकिन उससे पहले आरपीएफ और जीआरपी ने इन्हें जेल की सैर करा दी। जानकारी के मुताबिक निधि हवाई यात्रा से विशाखापट्टनम गांजा लेने पहुंची थी, लेकिन अब निधि फूट फूट कर रो रही है। ये लोग सिकंदराबाद से गांजा लेकर आए हैं, ट्रेन तो इन्होंने नहीं बताई है, और ये बाय रोड यहाँ से इनको दिल्ली लेके जाना था गांजा। इसमें एक दीपक नाम के लड़के का नाम आया है प्रकाश में। लड़की का कहना है दीपक नाम का एक लड़का है, उसने उसको गांजा लाने के लिए भेजा था। लड़की फ्लाइट से गई थी दिल्ली से विशाखापट्टनम, और वहाँ से ये ट्रेन से लेके आए हैं गांजा। ये कहाँ कहाँ खपत करते थे? लड़कों का ये कहना है कि ये फुटकर में दिल्ली में बेचते थे, छोटे छोटे पुड़िया बनाकर, और लड़की ने दीपक नाम के लड़के का नाम लिया है। उसका नंबर भी मिल गया, हम लोग उसका सर्विलांस पे लगवा कर उसको भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से आरपीएफ और जीआरपी अब तक तमाम गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दिल्ली में बड़े पैमाने पर गांजे की खपत होती है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्य सरगनाओं की तलाश भी की जा रही है, जिससे गांजा तस्करी के इस गोरख धंधे पर नकेल कस सके, लेकिन सरगना अभी कोसों दूर हैं। आगरा में अब तक जितने भी गांजा तस्करी के मामले सामने आए हैं, उनकी सप्लाई अधिकांश मामलों में दिल्ली के लिए थी। इक्का दुक्का मामले ऐसे थे जिनकी सप्लाई दूसरे स्थानों पर थी। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस पैमाने पर दिल्ली में गांजे की खपत होती है। आगरा कैंट जीआरपी और आरपीएफ ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। तस्करों में एक युवती भी शामिल है। युवती फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली से विशाखापट्टनम गई थी। लगातार आरपीएफ और जीआरपी गांजा तस्करों को पकड़ रही है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस तस्करी का सरगना कौन है। सरगना तक पहुंचने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरगना अभी तक पकड़ से दूर है। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।